जा रहे हैं, हमें कुल नाश से बचाना है अपने आप को। और कुल नाश कैसे होता है? अगर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिले तो। और इसी द्वारका नगरी में भगवान ने दिखाया है लीला करके कि कैसे अगर अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो पूरी द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी। पूरा द्वारका नगरी नष्ट कैसे हुई? अहंकार के कारण। भगवान पूरी द्वारका नगरी का नष्ट की लीला जब कर रहे हैं तो बहुत सुंदर भागवत में 5-6 अध्याय इसके आते हैं इस लीला के, कि द्वारका का निर्माण तो 1 अध्याय में हो गया, लेकिन 11वें स्कंद के पहला पूरा अध्याय है कैसे पूरी यदु वंश का नाश हुआ इसी द्वारका नगरी में। अब वधु वंश के जितने लोग थे सब भगवान के पार्षद होने के कारण सबके अंदर की थी अचिंत शक्ति, उनको कोई नाश कर ही नहीं सकती। एक ही चीज उनको नष्ट कर सकती है, अहंकार। क्या नष्ट कर सकती थी? इसलिए भगवान ने उनके मन में क्या ला दिया? अहंकार। उन्होंने क्या गलती कर दी? आसी के क्षेत्र में, मैं आपको भागवत से श्लोक पढ़ाता हूं तो आपको और अच्छा लगेगा, ये 11वें स्कंद के पहला अध्याय है। क्या नाम है इसका? पहला अध्याय है, समझ रहे हैं? कि द्वारका नगरी का नाश कैसे हुआ, समझ रहे हैं? ऐसे तो भगवान की दिव्य नगरी, इसका नाश नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे यदुवंश, समझ रहे? तो 11वें स्कंद के पहले अध्याय का भगवान ने सभी देव दानवों को मार दिया है, जरासंध को, कंस को, समझ रहे हैं? अब भगवान को लगा कि भाई एक ही आदमी का प्रॉब्लम अभी है कि मेरे यदुवंशी लोग इतने शक्तिशाली हैं, इनके अंदर घमंड आ जाएगा तो ये लोग पूरा तहस नहस कर देंगे, इसलिए इनका भी हटाना जगत से बहुत जरूरी है, समझ रहे? तो एक बार की बात है कि नारद मुनि इत्यादि और भी बहुत सारे जो संत थे वो लोग यहीं पर द्वारका के आसपास ये 8वां श्लोक में आएगा। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, श्री राजोवाच ब्रह्मण्याणामदन्याणा नित्यं वृद्धोपसेविना विप्रसाप कथम अभू विष्णी नाम कृष्ण चेतसा। तो उन्होंने बताया कि पूरे यदुवंश का नाश हो गया किसके द्वारा? भगवान ने नाश करवाया उनका ब्राह्मणों के साप के द्वारा। किसके द्वारा? तो परिचित महा ने पूछा कि भगवान के लोग को किसने श्राप दे दिया? भगवान के निज के लोग यदुवंशी को कौन श्राप दे सकता है? कोई दे सकता है क्या? समझ रहे हैं? बोले कैसे उनको श्राप लगा तो हमें बताइए। श्री 10वां नंबर श्लोक, श्री बादरायण उवाच विव्रद वपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भुवि सुमंगलात्म काम आस्थाय धाम रमणानुदार कीर्ति समहर तुम्हें छत कुलम स्थित स्कृत्य शेष। तो भगवान ने देखा मैंने सब लीला तो शेष कर ली है, अगर मैं चला जाऊंगा, समझ रहे हैं, तो मेरे यदुवंशी लोग उनको यहां पर छोड़ नहीं सकता, उनको भी ले जाना। तो उनको कैसे ले जाएंगे? तो एक ही तरीके से उनका नाश हो सकता है अगर उनके अंदर क्या आ जाए? अहंकार। तो आसपास के एक क्षेत्र पिंडारक नाम का क्षेत्र में, वहां पर विश्वामित्र मुनि, नारद मुनि, दुर्वासा मुनि, भृगु मुनि,
एक बार 11 बार नंबर श्लोक अगले श्लोक में आता। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायज जगत कली मल अपराणि कृत्वा। समझ रहे हैं? कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत कली मलापराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गृहे पिंडारकं समगमं मुनयो निरस्ता। तो विश्वामित्रो स्थितो कन्वो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवोऽत्रि वशिष्ठो नारदादय। तो इतने सारे जो महात्मा लोग थे, विश्वामित्र, असीत, कन्व, नारद इत्यादि, सब लोग यहाँ पर एक यज्ञ कर रहे थे। समझ रहे हैं? पुण्य के लिए, जिससे सुख आएगा और कलयुग के पाप, जो कलयुग आने वाला था, अब क्या आने वाला है? अब भगवान इस दुनिया में 125 साल बिता चुके हैं, अब कलयुग जस आने ही वाला है, महाभारत शेष हो चुका है। समझ रहे हैं? तो ये लोग कलयुग से बचाव करने के लिए क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। समझ रहे हैं? तो भगवान से जब उन्होंने पूछा क्या करें, भगवान ने बोला आप लोग यज्ञ कीजिए पिंडारक में जाके। तो लोग पिंडारक में आके, और वहीं पर क्या हुआ, यदु कुल के बच्चे आ गए, भगवान कृष्ण के जो बच्चे खेलते खेलते, किदंतस्तान उपाव्रज कुमारा यदुनंदना उपसंग्रिय पप्रचु अविनीता विनीतव। तो यहां पर भगवान के बहुत सारे बच्चे थे, सांब जाम्बवान सत्सुति जाम्बती सुतम। तो ये लोग के अंदर क्या अहंकार आ गया, किसके बच्चे हम? भगवान कृष्ण के लोग हम। तो भगवान इस गीता को पॉइंट को समझाना चाह रहे, अगर लोगों के अंदर अहंकार आ जाएगा तो क्या होगा, पूरा समाज नाश हो जाएगा। तो इनके अंदर क्या आ गया है? तो ऋषि लोग क्या करे, पूजा करे और ऋषि के पास खेलते खेलते चले गए, बहुत सारे जो लोग थे, और प्रणाम करे महात्मा जी को। क्या कर रहे कि महात्मा जी प्रणाम, लेकिन अंदर से अविनीत विनीतवत, अविनीत देखने में विनीत मतलब विनम्र, लेकिन अंदर से लेकिन। तो उन लोग को लगने लगा कि हम लोग भौतिक जगत को अच्छे जानते हैं, साधु लोग जानते हैं। उनके मन में क्या गर्व आ गया कि साधु लोग थोड़ा ना भोगना जानता है, तो स्त्री पुरुष का क्या होता है, लोगों को ज्यादा आइडिया। तो इन लोग को हम अपमान करेंगे कि इनको भौतिक जीवन का ज्यादा, बहुत ज्ञानी बन के घूमते हैं लेकिन भौतिक जीवन का ज्यादा ज्ञान इन लोग को। तो सांबा को क्या किया, स्त्री का कपड़ा पहना दिया, साड़ी पहना दिया। क्या पहना दिया लड़के को? समझ रहे? और बोलते हैं ऐसा पृच्छति वो विप्रा अंतर असितेक्षणा। समझ रहे? प्रस्तुम विलजति साक्षात प्रभुतो दर्शना। समझ रहे? प्रसोष्यन्ति पुत्र कामा किम स्वित संजनिष्यति। तो बोल रहे हैं यह जो लड़की है, था लड़का था वो, बोले ये लड़की को बहुत इच्छा है बच्चा पैदा करने का, इसको बच्चा पैदा करने का बहुत इच्छा है। तो इसका गर्भ में लड़का होगा या लड़की होगा तो बता दीजिए। समझ रहे हे महात्मा जी, किम स्वित क्या पैदा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा? और सोचे तो महात्मा जी लोगों के सब ज्ञान तो होगा नहीं, तो फिर हम मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी बोलेगा तुम लोग। अभी सब सुन के महात्मा जी लोग समझ गए बेटा ये लोग क्या कर रहे हैं, नौटंकी।
इस प्रकार से अब सब लोग हंसने लगा, ही बताइए क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा, लड़का होगा कि। तो नेक्स्ट श्लोक में एवं पलब्धा मुण्य तानुचु कुपिता निप। तो जब उनका ऐसा मजाक देख के वो लोग गुस्सा हो गए, अच्छा क्या होगा बताएं। तो उन्होंने बोला तानुचु, सब लोग मिलके बोले कुपित गुस्सा होके, क्या बोले, जन्यस्यन्ति यो मंदा। अरे मंद पुरुषो, ज्यादा तुम लोग घमंड हो गया राजा का बेटा होने का, भगवान का बेटा होने का। अरे मंद बुद्धिहीन, महात्मा से कैसे बात करना, बुद्धि नहीं है। क्या पैदा होगा, जनिसियंती पैदा होगा, क्या मुस्लिम, क्या पैदा होगा, मुस्लिम कुल नाशन, जनिसियंती वो मंदा, मुस्लिम कुल नाशन, क्या पैदा होगा मूर्खो, मूसल पैदा होगा, क्या पैदा होगा, कुल का नाश कर देगा, समझ रहे, क्या करेगा, कुल का नाश कर देगा। अब जैसे वो लोग सुन रहा सुना ये चीज, सबका कलेजा एकदम, वो लोग मजाक कर रहा था कि लड़का लड़की बोले, वो बोले क्या पैदा होगा, मूसल पैदा होगा कुल। तो यहां पर भी हम देखते हैं कुल नाशन शब्द आता है गीता में। देख कुल नाश कैसे होता है, कैसे कुल नाश हो रहा है, जब बच्चों में खराब। तो यहां पर भी भगवान के बच्चों में क्या आ गया, गलत संस्कार अहंकार। उन्होंने मजाक में सोचा कि महात्मा जी का मजाक उड़ाएंगे, मजाक उनका क्या उड़ाएंगे, खुद का ही, उनका क्या मजाक उड़ाएंगे, खुद का ही मजाक अभी उड़ेगा। अभी लोग काटो तो खून नहीं, अभी लोग यहां पर ढका हुआ था कपड़ा ऐसे, समझ रहे हैं, समझ रहे, अब पेटवा फूला हुआ था, अब जैसे कपड़ा हटाया, समझ रहे, तत्सुत्रवातेति संत्रस्ता विमुच्य सहसोदर। यह सुन के पूरे डर गए, उन्होंने कपड़ा हटाया और जब देखा तो वहां पर क्या मिला, सांबस्य ददृशु तस्मि मुस्लिम खल्व अयस्मया। और जैसे ही कपड़ा हटाए तो सब उदम देख के घबरा गए, सांब के यहां पर जो पेट में क्या आ गया था, मुसल आ गया था, समझ रहे। अब मुसल लेके सब भागा किसके पास, राजा उग्रसेन के पास, कि का करे का करे का करे, इससे पूरा कुल का क्या होगा। उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा होगा, कभी सोचा था वो लोग, वैसे छोटे जो आजकल के बच्चे कभी सोचते नहीं है कि हम पोर्नोग्राफी देखेंगे तो क्या होगा, हम कोई लड़की से बात करेंगे तो क्या होगा, उसको लगता क्या दिक्कत है, हम एक लड़की से बात कर लेंगे तो क्या दिक्कत, दिक्कत तो बाद में पता चलेगा, समझ रहे। आजकल लड़का लड़की फ्री मिक्सिंग कर रहा है और बाद में उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, समझ रहे। आजकल सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम हो गया, लड़का लड़की लोग इतना ज्यादा इंद्र तृप्ति कर लेता है कि उनके शरीर में शक्ति नहीं बसता है, शादी करने बाद पता चलता है उसको शक्ति नहीं है शरीर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे। अब बच्चा पैदा करना प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो जब यंग रहता उसको पता, वो तो वो सोचता कुछ नहीं होगा, हम कुछ करेंगे चलता है, तो बाद में उसका क्या होता है, कुछ खाएंगे चलता है, हम बाजार में कुछ खरीद के खाएंगे, मैदा फैदा खाते रहता है बच्चा लोग, अब जाएंगे हॉस्टल में मैगी फैगी कुछ खरीद के खाता है, अभी कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसका नाश हो जाता है 40-45 तक उसका पूरा शरीर क्या होता है, 1000 रोग आ जाता है। सही बोले गलत बोले। तो उन कभी नहीं भी उन बच्चों ने ऐसा सोचा नहीं था कि हमको इतना बड़ा सजा, अब इस मुसल का करे क्या, सब सोचा करे क्या करे का, सब भागा किसके पास, राजा उग्रसेन के पास, बोलो दादाजी का कर समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुसल निकल गया है सबका नाश करे। दादाजी बोले टेंशन क्यों ले रहा है, हम है तो क्या गम है, कुछ नहीं होगा। दादाजी कृष्ण से कंसल्ट नहीं किए, उग्रसेन जी ने किससे कंसल्ट नहीं किया, समझ रहे,
और उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं, तब डर तो गए थे। 21 नंबर, तो राजा ने बोला उग्रसेन ने, इसको चूरा चूरा कर दो, क्या कर दो, तस चूर्ण इत्वा मुस्लिम तर्ण चूर्ण तत्चूर्ण इत्वा मुस्लिम यदु राजा स आहुक। तो राजा आहुक उग्रसेन ने बोला इसको क्या करो, चूर चूर करो, एकदम एकदम तो छोटा छोटा पाउडर कर दिया और यही के समुद्र में उसको बगल में डलवा दिया। समुद्र सलिले प्रास्यल लोहम चास्या विशेषिता, तो पूरा चूर चूर कर दिया लोहे का उसको मुसल को, लेकिन थोड़ा सा पीस चूर चूर नहीं हो रहा था, जैसे गाजर छीलते ना लास्ट में थोड़ा बच जाता है, ऐसे पूरा उसको चूर चूर किया लेकिन लास्ट का पीस टूटे नहीं रहा था, तो एक जो था थोड़ा सा ऐसा था और बाकी चूर चूर करके उसने पूरा अंदर गए समुद्र को जाके। नहीं समुद्र में ज्वार भाट आता है, अभी हम लोग गए तो पानी बढ़ रहा था, गए थे तो आते आते एक घंटे में पानी देखे थोड़ा बढ़ गया था, देखे थे आप लोग, समझ रहे हैं। तो पानी जब ज्वार आता है तो उधर से फिर शरीर समुद्र का पानी फेंकता है, तो फेंक के आए थे बहुत अंदर, लेकिन फिर पानी पूरा और आसपास के इलाके में क्या हुआ, वो पानी से जब खेती हुई तो बांस के मतलब बहुत सारे क्या उग गए, बांस टाइप का उग गया। और वो जो ये जो मोटा पीस था, समझ रहे, उसको एक मछली खा गई, समझ रहे। कश्चिन मत्स्यो ग्रसिल लोहा, कश्चिन मत्स्यो ग्रसिल लोहा, तो कोई एक मछली ने उस लोहे को खा लिया और जो चूरे चूरे थे वो हाई टाइड आने से चूर्णानी तरले इस्तता, और चूरे चूरे कहां पर आ गए, तट पे आ गए। उह्यमाना निवेलाया लग्नानी आसन किलर का, और वो लोग तट पे आके बड़े बड़े क्या एकदम डंडे के समान, ब्लेड के समान, डंडे के समान वो लोग उग गए। उसके अंदर किसका अंश था, और उस मछली को किसी ने पकड़ लिया, समझ रहे, और उस मछली को जरा को दे दिया, समझ रहे, और उसे शिकारी जरा ने क्या किया, अपना एक धनुष बनाया, मतलब क्या बनाया, तीर बनाया, उसमें वो धनुष का वो जो लोहा मिला था उसका आगे वाला पार्ट था, समझ रहे। और भगवान चाहते तो उसके श्राप को खत्म कर सकते थे महात्मा, लेकिन भगवान चाहते, समझ रहे, साफ वर्णन आता है, भगवान चाहते तो श्राप को, 24 नंबर श्लोक में आता है, भगवान ज्ञात सर्वार्थ सर्वथा ईश्वरोऽपि तद अन्यथा कर्तुम नेच्छद् विप्रसापम् काल रूपी अनुमोदत। कृष्णा चाहते तो श्राप को खाड भी सकते, बोल रहे ना, ईश्वरोऽपि तद अन्यथा, भगवान उसको अन्यथा भी कर सकते थे। वैसे हमारे जीवन में हम कुछ गलत करेंगे, भगवान चाहे तो हटा भी सकते, लेकिन हटाएंगे नहीं बहुत बार, ताकि हम सीखे। इसलिए कोई कुल धर्म का नाश करेगा तो उसको पीड़ा मिलती, भगवान चाहे तो हटा भी सकते, लेकिन भगवान जान बुझ के पीड़ा देते उसको सिखाने के लिए कि कुल धर्म मत तोड़ो, समझ रहे। तो इसलिए भगवान अपने पार्षदों के द्वारा सिखाए, कितने शक्तिशाली थे। अब क्या हुआ, अब 30 नंबर अध्याय में हम लोग जाते हैं, 11.30.1। अब एक दिन क्या हुआ, सब चीज का सेटअप रेडी कर दिया भगवान ने, अब ये लोग पूरा निश्चिंत ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ फेंक के आए। वैसे आदमी सोचता है हम पाप करेंगे, हम कोई लड़की साथ संग कर लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, वो लड़की को कोई जानता नहीं, हम तो कलकत्ता में गलत काम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कौन जानता है।
जानता है बाप कौन, सब हिस्ट्री में। और सजा तो आपको जरूर, जैसे हमारे दशरथ जी थे, बचपन में उन्होंने गलती की थी, पता है किसको मारा था, श्रवण कुमार के पिता को, श्रवण कुमार को, उसके माँ बाप भी मर गए। तो उनके श्राप के कारण उसको भी क्या हुआ, भगवान दशरथ को भी बाद में पीड़ा, पुत्र का वियोग सहना। कब पाप किया था समझ रहे, जब कितने उम्र थी उनकी, बहुत, कब फल आया, जब बूढ़े हो चुके थे, 11,000 साल तक राज्य जी चुके थे। तो जीवन में याद रखिएगा, गलती करेंगे तो सजा। और इस नगरी में भगवान दिखा रहे हैं, जो ये धाम है यहां पर भी भगवान दिखा रहे हैं, श्राप को तो यहां प्रभाव नहीं पड़ता, इस धाम में श्राप का प्रभाव। इसलिए भगवान ने अब क्या किया, जब यदुओं को अप्रकट करना था तो इस द्वारका धाम से बाहर निकाला, कहां निकाला, प्रभास ले गए, कहां ले गए, क्योंकि द्वारका धाम में श्राप ले गए नहीं, इसलिए कहां ले गए, तो 30 नंबर अध्याय में अगर हम जाएंगे। और तब इससे पहले क्या हुआ, भगवान सब कुछ सेटअप कर दिए, ब्रह्मा जी आते, कौन आते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भगवान को आके प्रार्थना करते हैं छठे अध्याय में, और भगवान से बोलते हैं, भगवान आपने हमारा सब काम निमित्त, हमने आपसे प्रार्थना की थी, जब भूमि देवी को बहुत तकलीफ थी तो आप कृष्ण के रूप में आए, कंस जरासंध सबको मार दिए, अब भगवान हमारा काम हो गया है, अब आप जाना चाहें तो। भगवान बोले, हाँ मेरा भी काम हो गया है, अब मैं निकलता हूँ, अब निकलने को जो बहाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं भगवान कैसे निकल रहे हैं। तो पहले किसको निकालेंगे, अपनी, क्योंकि उनको लेके आए थे, उनको कोई मार भी नहीं सकता था, यदुवंशी को कोई मार, कुछ लोग स्वर्ग के देवता थे, अब उनको फिर से मैनेजमेंट के लिए भेजना था, कुछ लोग वैकुंठ से आए थे उनको भेजना था। तो भगवान इस लीला के द्वारा सिखाना चाह रहे हैं, कभी भी अहंकार करोगे, उनको कोई नहीं मार सकता था, एक ही आदमी मार सकता था, वो खुद का। इसलिए भक्तों को कभी कोई हरे कृष्णा जप करते, उनको कौन कुछ बिगाड़ लेगा, एक बार हरे कृष्णा करने से अजामिल एक बार बोला तो उसका सब पाप खत्म हो गया, यमदूत भाग गए, विष्णुदूत आ गए, तो हरे कृष्ण वाले को कोई दिक्कत हो सकती है, एक ही दिक्कत हो सकती है, क्या, अपराध। क्या दिक्कत कर सकता है उसको, इसलिए कभी भी किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। और महापुर ने स्वयं अपनी शिक्षाओं से सिखाया, उनकी माँ सची मैया जो यशोदा है, जगत जननी है, महापुर ने एक बार सबको कृपा दिया, उनको कृपा नहीं दिया, तो श्रीवास ठाकुर बोले, भगवान अपनी माँ को कृपा नहीं दे रहे, उनको प्रेम नहीं दे रहा, कृष्ण प्रेम, माँ बोले उनको कभी प्रेम नहीं मिलेगा, उनको कभी प्रेम, बोले क्यों नहीं मिलेगा उनको, माता जी आपको चाहिए, कुछ चाहिए माता जी आपको, पीछे आप ही को बोल रहे हैं, कुछ चाहिए आपको, कुछ चाहिए तो बोली, हम जो हम आपके सेवक हैं, जो बोलेंगे हमको, मेरा ही काम है आपको देना, आपकी सेवा के लिए मैं कथा बोल रहा हूं, समझ रहे हैं, कुछ चाहिए तो बताइए, आप मेरी सेवा से दुखी है तो बताइए। कोई टेंशन बोलिए, कुछ पानी चाहिए, कुछ चाहिए बोलिए, कोई ठीक है सब कुछ, तो मैं कथा बोलूं, ठीक, क्या बोला था मैं, हाँ, तो सची मैया स्वयं भगवान की माँ है, लेकिन भगवान ने बोला उनको कृपा नहीं दे रहे थे, तो लो श्रीवास ठाकुर बोले उनसे क्या गलती हो गई, क्यों नहीं कृपा दे रहे, वो उन्होंने अपराध किया, क्या किया, वो कैसे अपराध कर सकते हो, तो वो तो सची माँ है, यशोदा मैया, वो क्या अपराध की, वो उन्होंने अद्वैत आचार्य का अपराध किया था, किसका अपराध किया था, बोल तो फिर कैसे कृपा मिलेगी, बोला अद्वैत आचार्य का चरण का धूली लेकर लगाएगी तब, क्योंकि जब अद्वैत आचार्य प्रचार करते थे, रोज हरि कथा करते थे, तो विश्वरूप उनकी कथाओं में जाने लगे, विश्वरूप को उनकी कथा अच्छी लगती थी, और वो रात दिन कथा ही सुनते थे, तो माँ बाप चिंता कर दिए, बेटा रात भर कथा सुनेगा, दिन भर कथा सुनेगा, खाएगा पिएगा नहीं,
तो फिर सन्यासी हो जाएगा। तो उसके लिए एक अच्छा लड़की खोज रहे हैं कि इसका शादी करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। और जैसे विश्वरूप को पता चला शादी करवाएंगे, वो निकल गया सन्यास ले लिया, तो सची मैया को बहुत दुख हुआ, अंदर अंदर बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन बाहर से कुछ बोली नहीं की, इतना बड़ा वैष्णव कुछ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। फिर बाद में इनका जब छोटा बेटा चैतन्य महाप्रभु वो भी भक्ति करने लगा, वो भी अद्वैत आचार्य के पास जाने लगा, घंटों घंटों बिताने लगा, तब वो पूरा घबरा गए कि भी इसको भी लेगा, एक बेटा को तो लिया ही है, इसको भी बर्बाद करेगा। और उसे रहा नहीं गया और गाली देने लगी कि एक नंबर का ही बदमाश है, समझ रहे, नाम इसका अद्वैत है लेकिन ये द्वैत है, दोगला है, ये ऐसे वैसा है, मेरा घर को बर्बाद कर रहा है। और उसके कारण उसका अपराध हो गया। क्या हो गया? तो जब अद्वैत आचार्य को लोगों ने बताया कि अरे आपका अपराध हो गया, सची मैया के पति, सची मैया का अपराध आपके पति हो गया, वो बोले हो ही नहीं सकता, वो उस जगत की माँ है, उनसे क्या अपराध होगा। और वो सची मैया का गुणगान करते करते गिर गए जमीन पे, और जब सची मैया आई और जल्दी से उनका चरण का धूली लगा ली, समझ रहे, और वो फिर उनका अद्वैत आचार्य का महिमा गा के वो गिर गए कि इनकी महिमा, इनकी प्रार्थना से भगवान आए, ये इतने बड़े भक्त हैं, ये शुद्ध भक्त हैं, ये वो जमीन पे गिर गई, वो भी गिर गए, दोनों जन गिर गए। फिर महापु आया उसको कृष्ण प्रेम। तो महापु अपनी लीलाओं सिखा रहे कि अगर आप जीवन में अपराध करेंगे वैष्णव का तो आपका जीवन, भगवान बोलते पाप करना करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम ठीक कर देंगे, अपराध करोगे तो फिर हम, और हमने देखा है जो लोग भी वैष्णव को ध्यान, उनकी कथा नहीं सुनते, उनका बात को ध्यान नहीं देते, अपना अपना ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है भक्ति मार्ग, उनका मन कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन जो वैष्णव को खुश करते हैं, समझ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से वो आसानी से मन को कंट्रोल कर पाते, समझ रहे हैं। तो हम देखते हैं भगवान ने स्वयं अपने यहाँ पर द्वारका में लीला की और बताया कि कैसे भगवान हरि की कृपा से भगवान हरि यहाँ पर सिखा रहे हैं कि अगर आप भगवान के बेटे भी हों, भगवान के पार्षद भी हों, लेकिन आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो आपका नाश। अब एक दिन भगवान कहाँ पर आए, अब यह बात पता चल गई किसको, उद्धव जी को। भगवान ने उद्धव सबको बोला, द्वारका वासियों को, कि देखिए अपशगुन होने लगे द्वारका में, क्या होने लगे, समझ रहे। और भगवान इधर महात्मा लोग का अपराध हो गया, महात्मा जी ने श्राप दे दिया, और उद्धव जी पूछ रहे भगवान आपके रहते तो द्वारका में तो कोई श्राप लग ही नहीं सकता है, द्वारका में तो कोई श्राप, समझ रहे। तो उद्धव जी को भगवान ने साइड में लिया कि मैं लीला कर रहा हूं, तुम ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करो। तो उसको बहुत लंबी गीता सुनाई, जिसको बोलते उद्धव गीता, करीबन 20 अध्यायों में क्या सुनाई उनको, तुम चुपचाप रहो। बोले भगवान मेरे को क्यों छोड़ के जा रहे, मुझे भी अपने साथ ले चले। बोले नहीं, तुम यहीं पर रहेगा, दूसरों को ज्ञान देगा, प्रचार करेगा। अब ई निकल गए तो भगवान ने जैसा बोला वैसे द्वारका नगरी में क्या होने लगा। 30.1 श्री राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम अकरो भगवान भूत वावणा। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि उद्धव जी जब भगवान के मैसेज को सुन के जंगल चले गए तो उस भगवान ने क्या किया, सभी की रक्षा करने वाले भगवान ने द्वारका में क्या किया। द्वारवत्याम, द्वारका का नाम भागवत में द्वारवत्याम आता है। क्या किए भगवान यहाँ पर, तो ब्राह्मणों ने किसको श्राप दे दिया है, द्वारका वासियों को। ब्रह्म सापोपसंशिष्टे स्वकुले यादव रसभ प्रेयसीम सर्वनेत्राणा तनुम स कथम अत्यज। तो जब भगवान ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा
पूरी डायनेस्टी नाश होने लगी, तो भगवान ने फिर क्या किया, समझ रहे? तो यहां पर वर्णन आता है कि अरे भाई भगवान का नाश नहीं हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कैसे मर गए जरा के मारने से, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान मर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका चिन्मय क्या है, स्वरूप क्या है, प्रत्याकृष्टुम नयनम अबलायत लग्नम नसेको। कर्णाविष्टम न सरति ततो यत सताम आत्मलग्नम। यश्रीवाचम जन्यति रतिम कुम्न माणम कवीणा। दृष्ट्वा जिष्णो युधिरथ गतम यच्च तत् साम्यम इहु। मैं संस्कृत शब्द इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हमें ये, क्योंकि ये द्वारका में सब लीला हुई है और संस्कृत से विश्वास आता है कि हुई थी, तो इसमें मीनिंग ये है कि भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप था कि द्वारका की स्त्रियाँ, मथुरा की स्त्रियाँ उनको देखती थी तो रूह हटा नहीं पाती थी आँखें। इस दुनिया में कितना भी कोई सुंदर हो, घंटा दो घंटा देखने के बाद आपको मन करेगा कुछ और, है कि नहीं? लेकिन भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप था कि घंटों घंटों देखने के बाद एक बार उनको देखती थी लोग तो उसके बाद हटा नहीं पाती थी आँखें, समझ रहे हैं? और भगवान की ऐसी महिमा है, प्रत्यक कृष्टुम नयनम अबला, जो अबला स्त्रियां भगवान को देखती थी एक बार, यत्र लग्नम न सेकु, उनको टाइम का होश ही नहीं रहता था। तो भगवान अगर भौतिक रूप से सुंदर है तो कोई ज्यादा देर तक देख सकता है? भगवान इतने सुंदर थे कि देखते से दिल थकती नहीं थी। और क्या बता रहे, कर्णाविष्टम न सरती को, बोला हो सकता है भाई लड़का सुंदर इसलिए देखने लड़की आकर्षित हो जा रही, बोले नहीं, कर्णाविष्टम न सरणम। और महात्मा लोग, महात्मा लोग तो कोई के सुन लड़का को देख के आकर्षित नहीं होंगे ना, बोल रहे हैं सताम, मतलब दूसरे लाइन में आता है सताम, यत सताम आत्मलग्नम। बड़े बड़े महात्मा लोग, नारद व्यास, समझ रहे हैं, विश्वामित्र, ये लोग कर्ण में हरि कथा जब जाते तो रुक ही नहीं पाते, मन करता है दिन रात सुने। इनको एक बार कथा जाने लगती तो मन करता रात दिन चलते ही रहे। अगर भगवान की भौतिक होगी कथा तो रात दिन सुनना चाहेगा कोई? तो बोल रहे कर्णाविष्टम न सरती, मन करता सुनते ही जाए सुनते जाए सुनते जाए। हम लोग अभी नए भक्त हैं फिर भी हम लोग को भी अच्छा लगने लगता है, कितने लोग हरी कथा अच्छी लगती है थोड़ी थोड़ी, हम लोग मूवी वूवी देखते थोड़ा देर बोर हो जाते, लेकिन अब इतने दिनों से कथा सुन रहे बार बार मन करता पढ़ते ही जाए पढ़ते ही जाए। खैर उतनी रुचि नहीं आई परिचित महाराज जैसे, लेकिन थोड़ी बहुत तो रुचि आ रही। और क्या बोल रहे हैं, यह श्री वाचम जनयति रतिम किमनु मानम कविना, समझ रहे हैं? और उनके शब्दों में इतनी शक्ति है कि उनमें भी गीता एक बार बोल दी, आज तक लोग गीता पढ़ रहे, आज तक क्या पढ़ रहे लोग, बड़े बड़े इंडिया के लोग अमेरिका के लोग किसको पढ़ रहे, मैंने कम से कम 100-200 बार पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी क्या लगता है हर बार, अभी आपको पढ़ा हूं फिर भी मुझे नया लग रहा है, क्योंकि गीता क्या है, चिन्मय क्या है। और क्या बता रहे, दृष्ट्वा जिष्णो युधिरथ, और जब युद्ध हुआ था, जिष्णु मतलब जिष्णु किसका नाम था, अर्जुन का एक नाम है जिष्णु, अर्जुन का एक नाम है जिष्णु, समझ रहे हैं? तो युद्ध भूमि में दृष्ट्वा जिष्णु युधिरथ, जिसने भी अर्जुन के रथ को देखा, अर्जुन के रथ पे कौन बैठे थे, दृष्ट्वा जिष्णु युधिरथ गतम यच्च तत्साम्यमिहु, जिसने भी भगवान के रथ को देखा, मतलब जो भी कौरव साइड में थे सब लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो गए, समझ रहे हैं? दृष्ट्वा जिष्णु युधिरथ गतम यच्च तत्साम्यम, तत्साम्यम मतलब भगवान के बराबर हो गए, मतलब वो लोग क्या हो गए, ब्रह्म में चले गए, मुक्त हो गए। युद्ध कर रहे थे किसके साथ, भगवान के साथ, और मिला क्या उसको,
अगर किसी आप इंकाउंटर करेगा पुलिस आपको तो गोली मारेगा तो आप मर जाएंगे। लेकिन भगवान जितने भी लोग को दर्शन दिए सब लोग क्या हो गए, मुक्त हो गए। जो कौरव थे पांडव थे उनका तो उद्धार हुआ ही, कौरवों का भी उद्धार केवल भगवान को दर्शन करने मात्र से उनका भी उद्धार। ऐसा कोई है योद्धा जिसको दर्शन करने सब लोग उद्धार हो जाएंगे? श्लोक आ रहा है, दृष्ट्वा जिष्णु युधि रथ गतम जच्चत साम्यमियु। जितने भी लोग थे सबने भगवान को देखा और सब लोग क्या आपको प्राप्त कर ले, भगवत गति प्राप्त कर ली। समझ रहे? श्री ऋषुर्वाच दिवि भूवि अंतरिक्षे च महत्पाता समुत्थिता दृष्ट्वासीणां सुधर्माया कृष्ण प्राह यदुनिद। तो इस अब द्वारका कैसे समाप्त हुआ उसको बताने के पहले भगवान इस श्लोक में बताए थे कि देखिए भगवान को कोई साधारण मनुष्य मत मानिएगा, क्योंकि उनको देख के गोपियां पागल हो जाती थी, उनको सुन के महात्मा लोग पागल हो जाते हैं, उनकी कथा सुन के पूरी दुनिया पागल हो जाती है, उनको देख के मरने वाले सब मुक्त हो गए भले भगवान के विरुद्ध थे। ऐसे व्यक्ति का साधारण हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति साधारण हो सकते हैं? नहीं। समझ रहे हैं? अब वो द्वारका में बता रहे हैं कि क्या हुआ। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि द्वारका में समुद्र में जल में पृथ्वी पे आकाश में चारों तरफ क्या होने लगा, चारों तरफ क्या होने लगा, उत्पात होने लगा। समझ रहे हैं? आसमान से पानी के जगह खून गिर जा रहा है। समझ रहे हैं? उत्पात होने लगे। समझ रहे? और तो सब भगवान ने क्या किया, सभी को कहां बुलाया, सुधर्म सभा में बुलाया और मीटिंग ली। और श्री भगवान अगले श्लोक में भगवान बोलते, आप समझिए भगवान की लीला चल रही है, ये मत सोचे भगवान का भी नाश हुआ। कुछ लोग सोचते हैं भगवान यहां से अप्रकट हो गए तो भगवान साधारण मनुष्य की तरह उसको धनुष मारने से मर गए, ऐसा नहीं है। ऐसा गलती से ही मत। श्री भगवान वाच एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्याम यम केतव मुहूर्त पिम्नस्तेय अत्र नो यदुपुंगवा। भगवान बोले अरे द्वारका वासियों, अरे बहुत घोर यहां पर क्या हो रहा है, उपद्रव हो रहा है। भगवान के रह के कोई उपद्रव हो सकता है? भगवान के रहते हुए कोई उपद्रव हो सकता है? मतलब कौन उपद्रव करवा रहा है? भगवान ही करवा रहे, लेकिन मीटिंग करके बोल रहे हैं अरे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, हे द्वारका वासियों मुझे ये सब लग रहा है यमराज जी की निशानी है। ये सब किसकी निशानी लग रही है? यम केतव, केतव मतलब झंडा। ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है लग रहा है किसकी है स्थिति? यमराज जी कुछ प्रॉब्लम्स। नींद आए तो बोलिए जोर से हरी बो। अरे हमको नींद नहीं आ रहा है और आप लोगों को नींद आ रहा है, ज्यादा हम खट रहे हैं और आप लोग सो कम हम रहे। हम 12:30 बजे उठ जाते हैं, समझ रहे? तब सुबह से हम 12:30 से उठ के हम भागवत पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ाने के लिए, और थकते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है। 12:30 से उठ के आपको लेके भागवत पढ़ रहे हैं कि भाई सबको समझाएगा द्वारका की लीला, समझ रहे हैं? और हमको नींद नहीं आ रहा, आप लोगों को नींद, हमको समझ में नहीं आता है। समझ रहे हैं? सब लोग सीधा बैठिए, ये तो फिर तो नींद तो बहुत आएगा। एकादशी का तिथि, सीधा बैठिए माता जी, दीवाल का सहारा लेके एकदम बढ़िया है। इधर द्वारका में उत्पात हो रहा है और आपके जीवन में कुछ उत्पात नहीं हो रहा है। आप लोग इतना हरि भक्ति कर ली कि टेंशन ही नहीं है
कि भगवान कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सब समझ रहे कुछ नहीं होगा, इसलिए डंडा भी लेके आए हैं, समझ रहे संरक्षण से फायदा नहीं होगा, फॉलो करना पड़ेगा भाई, समझ रहे धाम आए इतनी मेहनत करके, समझ रहे इसका फायदा उठाना चाहिए कि नहीं। हाँ, इसलिए डंडा है, जो सोएंगे उसको, समझ रहे हैं, पिटाई पड़ेगा, समझ रहे। खैर, सोने से भी समाधि का फल मिलता है धाम में, नहीं हम आपको सोने देंगे। तो उन्हें बोला, हे द्वारका वासियों, देखो यम केतव क्या आ रहे हैं, यहां पर यमराज जी के निशानी है, बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है। मुहूर्तम अपि नस्थे, हम एक सेकंड भी हम लोग यहां नहीं रुकेंगे, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट भी हम लोग यहां पर अभी तुरंत रेडी होके हम लोग निकल जाएंगे यहां से, समझ रहे हैं। तो जैसे भगवान ने आदेश दिया, स्त्रियो बालाश्च विद्धाश्च संखो धारम व्रजन्ते इत, तो जो स्त्रियां थी, बच्चे थे और बूढ़े लोग को भगवान ने शंखोधार नाम के स्थान पे भेज दिया, समझ रहे हैं। और बाकी लोग को बोला, हम लोग कहां जाएंगे, वयम प्रभासम यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती, और हम लोग कहां जाएंगे, प्रभास क्षेत्र जाएंगे जहां पर सरस्वती, हम लोग भी दर्शन किए, तीन नदियों को देखे जहां स्नान किए थे हम लोग, आप लोगों को याद है, जहां हम लोग सब स्नान किए, हमारा प्लान नहीं था वहां स्नान करने का, समझ रहे हैं। और सबको तो ऐसे भी हम नहीं ले जा रहे थे, मैं और एक सिंह बहू जा रहे थे, बोले कोई संगम है, बोले कितना दूरी पे, बोले 1.5 किलोमीटर होगा, बोले बस में चढ़ के तो नहीं जाएंगे, ऐसे जब सबको बस में चढ़ाना उतारना मतलब 2 घंटा लगेगा, तो हम जाने लगे तो सब लोग आ गया फिर धीरे धीरे। और फिर वहां पर इतना गंदगी काई था, कोई यहां स्नान करता ही नहीं था, फिर उन्होंने बोल दिया भगवान स्नान किए थे, तो बोले भगवान स्नान किए तो फिर हम लोग क्यों नहीं करेंगे, समझ रहे। इतना काई जब हम गए तो पूरा काला काला निकल रहा था, ऐसे देख कालिया का विष निकल रहा था वैसे निकल रहा था, हम बोले ये कृष्ण प्रेम निकल रहा है भाई। तो हम तो स्नान किए, और क्योंकि फिर बाद में हम आके पढ़े, समझ रहे, तो उसमें लिखा हुआ था कि वहां पर स्नान करने का बड़ा, अगले श्लोक में वहां के स्नान की महिमा बताई गई, तत्र अभिषिच्य सूचया उपोष्यो सुसमाहिता देवता पूज्याम स्नपन आलेपन अर्हण। तो बोलते हैं हम लोग वहां पर जाए क्या करेंगे, स्नान करेंगे, उपवास करेंगे, समझ रहे। और वहां पर स्नान करने से सब पाप, और इसका कुछ श्लोकों पहले इसका वर्णन भगवान इसको बोले थे 10.11.6.36 में, समझ रहे। उस जगह का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा, वो भी भागवत में दिया हुआ है, समझ रहे। 11.6.36 में आसपास होगा, 36। हाँ, यत्र स्नात्वा दक्ष सापा गृहीतो यक्ष मनोदुरा विमुक्तो किल विसाद्यो भेजे भूय कलोदय। तो प्रभास क्षेत्र के भगवान बता रहे कि उस तात पे यत्र स्नात्वा दक्ष सापा, दक्ष का साप लग गया था सोम को, सोम ने दक्ष की 27 पुत्रियों शादी की, केवल रोहिणी को समय दे रहा था, बाकी को समय अपने कर्तव्य में आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, एक पत्नी अच्छी उसी को समय दे रहा था, बाकी को तो बाकी बच्चियों ने कंप्लेन कर दिया, तो दक्ष ने साप दे दिया, तो घटने लगा। तो उन्होंने कहां स्नान लिया, जहां हम लोग स्नान लिए थे प्रभास क्षेत्र, वहां स्नान करने से क्या हुआ, गृह तो यक्ष में ओदुरार, जो चंद्रमा में लीडर है मून सोम, उन्होंने वहां पर क्या लिया, स्नान किया। स्नात्वा मतलब खाया, स्नात्वा मतलब क्या, खाया। यत्र मतलब
वहां पर, तत्र यत्र, यत्र मतलब क्या, वहां पर, थोड़ा वो संस्कृत समझ में आ रहा है कि नहीं, यत्र मतलब यत्र, तत्र समझ रहे, अत्र यहां पर, तत्र वहां पर, समझ रहे। तो यत्र मतलब उस स्थान पे, स्नातवा मतलब स्नान किया, और किससे मुक्त हो गए, दक्ष साप से, दक्ष सापाद गृहीतो, दक्ष के साप से गृहीत थे कौन, यक्षमन उदुरात, उदुरात मतलब उद मतलब चंद्र, तारे, तारों का जो स्वामी होता है कौन है, तारों का लीडर चंद्रमा। तो चंद्रमा को वहां पर विमुक्त, क्या मिला उसको, विमुक्त मतलब बंधन में फंस जाना है कि नहीं, विमुक्त मतलब विमुक्त, किल भी साथ, किल भी साथ मतलब गीता में भी किल विषम आता है, किल विषम मतलब पाप, कौन से श्लोक में गीता में आता है किल विषम, 3.13 में आता है,